शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सीरियसली गौरव, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी? और अगर जाने देना ही था तो उस गहना के साथ जाने देती ना तुम्हें। देखो गौरव, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन अपने आप से थोड़ा सा ज्यादा प्यार करती हूँ। एंड ऑनेस्टली तुम्हारे चक्कर में ना मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और वो तुम्हारी गहना, वो तो मुझे हराने पर तुली हुई है यार। और इसीलिए शाम को घर पे मैंने हम दोनों की शादी की सालगिरह की पार्टी रखी हुई है, और उस पार्टी में तुम गहना को धक्के मार के इस घर के बाहर फेंकोगे। उसके साथ इतना गंदा बर्ताव करोगे कि वो खुद ये घर छोड़कर चली जाएगी। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो गलत सोचती हो गहना के बारे में। जब उसे पता चलेगा ना हमारे बारे में, वो हमें ढूंढती हुई यहां तक चली आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि जहां पर गहना की सोच खत्म होती है वहां से मेरी सोच शुरू होती है गौरव। मैं पहले से ही जानती थी कि गहना तुम पर से मेरा वशीकरण निकालने की कोशिश करेगी, इसीलिए ये मेरा बैकअप प्लान। मुझे पता था कि वो गहना मेरा वशीकरण तोड़ देगी, जो आत्मा मेरी गुलाम है उसे मुक्त कर देगी, मेरी वो अंगूठी जला देगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पर मेरा कोई बस नहीं होगा गौरव, इसलिए मैंने तुम्हारे जैसे दिखने वाला, तुम्हारी जगह लाकर गहना का दिल और भरोसा दोनों तोड़ दिया, और तुम्हारा ये हमशक्ल गहना के साथ इतना बुरा बर्ताव करेगा ना कि तुमसे प्यार करने की जगह वो तुमसे नफरत करने लगेगी। कब किया तुमने ऐसा? अब यहां कैसे आए? जब तुम्हारी मेरी सुहाग रात होने वाले थे और तुम मेरी जगह गहना के बाहों में थे, तब गौरव मुझे ना ये बात समझ ही नहीं आती कि इतनी खूबसूरत और दिमाग वाली बीवी तुम्हें कहाँ मिलेगी, बताओ ना। और तुम मुझे छोड़कर वो कवार गहना के पीछे पड़े हो। देखो, तुमने और मैंने शादी की है, और अगर तुम खुशी खुशी मेरे पास आ जाते तो ये सब करने की नौबत नहीं आती ना। अब तुम मेरे नहीं हो ना तो फिर मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगी।
और चलो मान लेते हैं कि एक बार मैं तुम्हारे बिना जी भी लूं, लेकिन गहना से हार करना जी नहीं पाऊंगी मैं। इसीलिए मुझे गहना से जीतना है हर कीमत पर। तो अब वो चाहे कोई जासूस बुला ले, कोई तांत्रिक बुला ले, कोई भी, लेकिन वो मेरे इस जादू का तोड़ नहीं निकाल पाएगी। चाहे कोई भी हो गौरव, मेरा ये बहरूपिया गौरव उसे मार डालेगा। और जानते हो क्या, रोज रात को 12 बजे इस बहरूपिया गौरव की काली पूजा होगी, जिससे इसकी शक्तियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो आज रात गहना को जाना ही होगा, और अगर वो नहीं गई तो ऐसी कोई रात नहीं होगी जब मेरा ये गौरव नंबर 2 उसे मारेगा नहीं। और गहना को ये लगेगा कि उसका पति उसको मार रहा है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे उर्वशी, जान से मार देंगे तुम्हें। कम ऑन गौरव, तुम्हारी अपनी जान मेरे कब्जे में है और तुम मेरी जान लोगे। जान तो ये लेगा एक दिन, तुम्हारी गहना की। उर्वशी, दूर रखो इसे गहना से। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, हम तुम ऐसा नहीं करने देंगे। चिल्लाओ ना गौरव, और चिल्लाओ। ऐसा कुछ भी नहीं करोगी उर्वशी, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। अपने जाने दो उर्वशी। तुम ऐसा नहीं कर सकती उर्वशी। कैसा लग रहा हो भैया? गरीब लग रहा है यार तू तो। अरे यार भैया, जब शक्ल गरीब वाली हो ना, कम से कम बातें तो अमीर वाली करो। आप बिना कोई बहुत अमीर नहीं लग रहे हो। अरे यार अपने पे क्यों ले रहे, इतनी बुरी गरीबी छाई हुई है हम सब पे, सभी गरीब लग रहे। बस तुम लोग ना इस अमीर और गरीब की लड़ाई में लड़ते रहो, और उर्वशी वो अपनी लड़ाई लड़के और भी ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक हो गई है। गौरव को तो अपने बस में कर ही लिया है, और अब वो इस घर की बागडोर भी अपने हाथ में करना चाहती है। और एक बार इस घर की सत्ता उसके हाथ में आ गई ना, तो वो हमें गरीब से भिखारी बनाने में टाइम नहीं लगाएगी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हम फैमिली हैं, और वैसे भी हमने डिसाइड किया है ना कि हम उसकी गुड बुक्स में रहेंगे। हाँ भैया भाभी, मैं ना उर्वशी दीदी को राखी का वास्ता देके पटा लूंगा। वैसे भी छोटे भाई पे ना तरस आ ही जाता है, और मैं इतना लाडला भी तो हूँ उनका। पापा जी पे तरस आया था तुम्हें? जब उसने पापा जी तक को नहीं छोड़ा तो तुम दोनों क्या चीज हो? अब ध्यान से सुनो, उसका अगला टारगेट होगा ये घर और बची हुई सारी प्रॉपर्टी, जिसके लिए वो कुछ ना कुछ दिमाग तो जरूर लगा रही होगी। हमें उन दोनों पे नजर रखनी होगी। लेकिन भाभी नजर रख के क्या होगा? नजर रख के हमें ये पता चलेगा कि वो लोग करते क्या है। आज रात पार्टी में कोई ना कोई ऐसी बात जरूर पता चलेगी जिसे हम गौरव और उर्वशी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनकी शक्ति हम हासिल कर सकते हैं। भैया सच में ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, पर ध्यान रहे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा आखिरी मौका है। और अगर ये काम अच्छे से हो गया तो सत्ता उर्वशी के पास नहीं जानी चाहिए, हमारे पास आनी चाहिए, समझे? और भैया अगर ये काम नहीं हो पाया तो? डरने से कुछ नहीं होगा, इस बार हमें इस बात पे फोकस करना है कि ये मौका हमारे लिए अमीर होने का आखिरी मौका है।
तो इस बार जो डर गया वो मर गया। ये गलत बात है हाँ। आज मेरी शादी की सालगिरह है और आप लोगों के मुंह ऐसे लटके हुए हैं जैसे मेरे पति की बरसी हो। मतलब मैं जानती हूँ कि घर में अभी तक जो कुछ भी हुआ है ना उससे आप लोगों का मूड खराब है, इसीलिए तो मैंने ये पार्टी रखी है ताकि सबका मूड अच्छा हो जाए, सब खुश हो जाएं। तो एक काम करते हैं, सब लोग आज खुल के खुशियां मनाते हैं, पार्टी करते हैं, मजा करते हैं यार घर में। ओके अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।